नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। यूपी में महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर तेज रफ्तार वैगनार कार ने अनियंत्रित होकर दिल्ली से शव लेकर महोबा जिले आ रही एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग और कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने आधा दर्जन घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। दरअसल मामला महोबा जिले के कबराई थाना क्षेत्र के बीला दक्षिण गांव का रहने वाला 45 वर्षीय रामदास परिवार सहित दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था, जिसके बीते रोज बीमारी से मौत हो गई। वहीं परिजन शव लेकर एम्बुलेंस से महोबा आ रहे थे, उसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही तेज रफ्तार वैगनार कार ने एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस सवार मृतक रामदास की पत्नी, बेटा, बहू, बच्चों सहित परिवार के 7 सदस्य घायल हो गए। वहीं कार में सवार 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आधा दर्जन गंभीर घायलों को झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कार चालक बहुत तेज रफ्तार से कार चला रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। वहीं अस्पताल के सीएमओ ने बताया है कि एम्बुलेंस और कार की भिड़ंत में घायल हुए लगभग 12 लोगों को लाया गया है, जिसमें 7 लोग की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है और बाकी अन्य घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अभी जिला अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा और कुछ लोगों द्वारा कुछ गंभीर लोगों को यहाँ पर लेकर आए। वो गंभीर स्थिति काफ़ी एक्सीडेंट का मामला है और किसी एम्बुलेंस या फोर व्हीलर की आपस में भिड़ंत का मामला। इसमें 10-12 लोग लगभग मरीज हैं जो घायल अवस्था में यहाँ पे आए हैं। इसमें 6-7 काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे, उन्हें हायर सेंटर में रेफर किया है और बाकी का भी यहाँ पे इलाज चल रहा है जिला अस्पताल महोबा में। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।